A very good day everyone, I am Himanshi once again with you and welcome again to MicroUpTalk. आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ फर्स्ट पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और इस फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सिंपल डिफ्यूज़न एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न. यस, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए न्यूट्रिएंट क्या है. न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. क्या कराते हैं हमें, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि हम क्या कर सकें, कोई भी फंक्शन को परफॉर्म कर सकें. ठीक है, अपटेक क्या हो रहा, कैसे हम उस न्यूट्रिएंट को ले रहे हैं, एंड देन ट्रांसपोर्ट मतलब कैसे वो न्यूट्रिएंट क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट अपटेक क्या है. तो न्यूट्रिएंट अपटेक क्या है, कोई भी लिविंग बींग, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसकी प्राइमरी नीड क्या है, हम भी लिविंग बींग हैं, हमारी प्राइमरी नीड क्या है, रोटी कपड़ा मकान. ठीक है, कपड़ा ना हो तो हम सर्वाइव कर सकते हैं, मकान ना हो हम सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन फूड एक ऐसी नीड है जिसके बिना, जो इन प्राइमरी नीड से, जो तीन प्राइमरी नीड है उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड है. क्या, जैसे कि मैंने भी बताया न्यूट्रिएंट क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. तो जो भी माइक्रोबियल सेल है उसे क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है, जिसे किससे मिलती है, न्यूट्रिएंट से मिलती है. और ये न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं, से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से. ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कहाँ पे आता है, सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट में, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, अगर हम एक माइक्रोबियल सेल की बात करें, एग्जांपल के लिए एक बैक्टीरिया ले रही हूँ यहाँ पे मैं. ठीक है, तो उसमें क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल होगी. ठीक है, और क्या होगा, जेनेटिक मटीरियल होगा, और क्या हो सकता है, साइटोप्लाज्म होगा. ठीक है, जिसके अंदर ये सब क्या होगा, ये सब ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारा, जितने भी सेल के कंपोनेंट होंगे वो पड़े होंगे, राइबोसोम्स होंगे, ग्रेन्यूलेटेड होते हैं ये. ठीक है, क्या होगी, फ्लैजिला होगी, पिलाए होगी, फिमरी होगी. ठीक है, ये कॉमन कंपोनेंट होंगे बैक्टीरिया की सेल में. अब एक बैक्टीरियल सेल में को क्या करना है, न्यूट्रिएंट को पास करना है. ठीक है, तो वो जो पासेज हो रहा है वो किसके थ्रू होगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा. इसलिए जो हमारी ये सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी होनी चाहिए, सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए सेलेक्टिवली परमीएबल. मतलब वो क्या करती हो, कुछ सेलेक्टिव कंपोनेंट को ही क्या करती हो, पास होने के लिए परमिट करती हो. सपोज़ हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, हमारे घर में क्या होता है, टी स्ट्रेनर होता है. वो क्या करता है, उसमें अगर हम सामने से देखें तो उसमें क्या होता है, छोटे 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 से पोर्स प्रेजेंट होते हैं. ये क्या करता है, हम इससे क्या करते हैं, चाय को फिल्टर करते हैं, किसमें, कप में. क्या करते हैं, चाय डालते हैं टी स्ट्रेनर में, और टी स्ट्रेनर क्या करता है, जो टी होता है उसकी जो सॉलिड कंपोनेंट होते हैं वो अपने अंदर कैरी कर लेता है, और जो लिक्विड कंपोनेंट होता है उसको पोर आउट कर देता है, किसमें, कप में. तो जो हमारी चाय है वो कैसी हो जाती है, फिल्टर हो जाती है. तो ये जो टी स्ट्रेनर है वो भी क्या है, सेलेक्टिवली परमीएबल है. जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या है ये, सेलेक्टिवली परमीएबल. ठीक है, क्यों है सेलेक्टिवली परमीएबल, क्योंकि ये जो सॉलिड कंपोनेंट है उसको तो इनहिबिट कर रहा है, मतलब उसको जाने नहीं दे रहा है उसके पाथ को, बट जो लिक्विड पोर्शन है उसको क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है. सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो भी क्या करती है, कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल को ही परमिट करती है अपने अंदर से पास होने के लिए, बाकी के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या नहीं कर सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकते हैं. तो इसलिए जो जितने मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, क्रॉस करके जाते हैं किसको, सेल मेम्ब्रेन को. देन नेक्स्ट इज, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जो क्या एक तरीके की सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन है. इसके स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पर हम, ये किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होगी, और यस प्रोटीन की बनी होगी. वैसे तो इसमें लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तीन ही कंपोनेंट मिलते हैं, लेकिन जो मेजर कंपोनेंट है इसका वो क्या है, लिपिड है, उसके बाद प्रोटीन, देन कार्बोहाइड्रेट. ये एक्सटर्नल लेयर होती है सेल की, यहाँ पे मैंने एक सेल बनाई हुई है,
ठीक है, ये क्या होती है, एक्सटर्नल लेयर है किसी भी सेल की। इसके ऊपर एक और लेयर मिलती है जिसको हम सेल वॉल कहती हैं, कहते हैं। ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में जो एक्सटर्नल लेयर होती है सबसे ज़्यादा वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बैक्टीरियल सेल एंड प्लांट सेल में सेल वॉल भी मिलती है और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। और ये जो आपको इस शेप के दिख रहे हैं ये क्या है हमारे, यस ये लिपिड है। ठीक है, जो इसका हेड पोर्शन होता है वो कैसा होता है, पोलर। और जो टेल पोर्शन होता है वो कैसा होता है, नॉन पोलर। इसी यही जो पोलर एंड नॉन पोलर पोर्शन है ये कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो ये सेल की परमीएबिलिटी को क्या करते हैं, इससे जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन है वो कैसे होती है, सेलेक्टिवली परमीएबल बनती है। ठीक है, क्योंकि एक वाटर लविंग पार्ट है और दूसरा कैसा है, वाटर फोबिक पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैसिव डिफ्यूज़न। ये इसको हम सिंपली डिफ्यूज़न ही बोल सकते हैं या फिर सिंपल डिफ्यूज़न ही बोल सकते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा मॉलिक्यूल का, किससे, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मॉलिक्यूल का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। कुछ सब्सटेंस हैं जैसे कि ग्लिसरॉल, वो कैसे होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस हो सकते हैं बाय पैसिव डिफ्यूज़न। जो रेट है पैसिव डिफ्यूज़न का वो डिपेंड करता है कि जो हमारा पार्टिकल है पास होना है उसका साइज़ क्या है। ठीक है, देन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर का जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो क्या है, और सेल की परमीएबिलिटी क्या है, सेल मेम्ब्रेन की परमीएबिलिटी कितनी है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो स्मॉल मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जैसे H2O, ठीक है, वाटर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, ये क्या दिखाया मैंने आपको, यहाँ पर दिखाई है, ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इधर आउटसाइड द सेल दिखाया मैंने और यहाँ पर इनसाइड द सेल, ये वाला पोर्शन है इनसाइड द सेल, इधर वाला पोर्शन है आउटसाइड द सेल। आप देख सकते हैं कि सेल का जो आउटसाइड है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है किसी मॉलिक्यूल का वो क्या है, ज़्यादा है। ये ग्रीन कलर से मैंने आपको क्या दिखाया है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स दिखाए हैं कुछ, जो क्या है, किसी भी, सपोज़ ये वाटर है और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल ज़्यादा है और इनसाइड द सेल कम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली वे क्या कर पा रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, डिफ्यूज़ हो पा रहे हैं। तो ये क्या होगा, सिंपल डिफ्यूज़न। देन नेक्स्ट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है फैसिलिटेटेड, मतलब कुछ स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है इसको। ये भी कैसे होगा, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। इसमें जो क्या होगा, जो रेट है डिफ्यूज़न का वो क्या करेगा, इंक्रीज होगा बाय कैरियर प्रोटीन, जिसको हम कभी कभी क्या कहते हैं, परमीएसिस। क्या बोलते हैं, परमीएसिस कहते हैं, जो हमेशा किस में एम्बेडेड रहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। मैंने दिखाया था यहाँ पर, ये क्या है, ये प्रोटीन चैनल्स होते हैं। ठीक है, या परमीएसिस प्रोटीन भी हो सकता है, जिसके थ्रू क्या कर सकता है, जो भी मॉलिक्यूल हैं आउटसाइड द सेल से इनसाइड द सेल ट्रांसफर होंगे। ओके, तो यही क्या करते हैं, यही मॉलिक्यूल कैसे करते हैं, सर कैरियर प्रोटीन वर्क करते हैं। ये जो कैरियर प्रोटीन है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, बाइंडिंग का काम करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं बहुत सारे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को, जितने भी ज़्यादा क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। जो कैरियर प्रोटीन है वो एंजाइम से भी रिसेंबल करते हैं, किससे, एंजाइम से भी।
एंजाइम क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, ये भी क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। सेम जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है प्रोटीन होते हैं, ये भी अपनी स्पेसिफिसिटी शो करते हैं एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए जिसको इन्हें ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। सपोज अगर वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ यहाँ पे, तो ये वाटर के लिए स्पेसिफिक होगा एक पर्टिकुलर टाइप का कैरियर, ठीक है। जो इतने भी हर एक कैरियर होगा वो क्या करेगा, क्लोजली रिलेटेड जो इतने भी हम कह सकते हैं सोल्यूट हैं उनको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। जो फैसिलिटेड डिफ्यूज़न है वो अलाउ करता है पोलर एंड चार्ज मॉलिक्यूल, जैसे कि हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोसाइड और आयरन, जिससे कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर सकें, क्रॉस कर सकें। जो फैसिलिटेड डिफ्यूज़न है वो क्या है, ज़्यादा प्रोमिनेंट है यूकैरियोटिक सेल में, अगर हम कंपेयर करें प्रोकैरियोटिक सेल से। ये कई वेराइटी की शुगर्स एंड अमीनो एसिड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अगर अब हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझें तो जो कैरियर प्रोटीन है वो कैसे हैं, ये मैंने दिखाया है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैरियर प्रोटीन, ये क्या करते हैं आउटसाइड द सेल, यहाँ पे क्या है इस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यहाँ पे कैसी है कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और नीचे की साइड क्या है इनसाइड सेल में लो है, तो ये क्या करेगा आउटसाइड से कैच करेगा मॉलिक्यूल्स को और क्या करेगा, यस तब तक मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करता रहेगा जब तक कि क्या ना हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए दोनों साइड। यहाँ पे भी अभी एग्जांपल के लिए दिखाया, अगर इधर 3 मॉलिक्यूल्स बचे हैं तो इधर भी 3 होने चाहिए, ये तब तक करता रहेगा जब तक कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, और जब एक बार एक जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल हो जाती है तो ये स्टॉप हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिंपल डिफ्यूज़न एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। If you like this video, then don't forget to like this video, comment on this video, and also don't forget to subscribe this channel. Thanks for watching.